हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंटरलाकेन स्विट्जरलैंड, डे 3। आज हम निकल रहे हैं लूसर्न वाया ज्यूरिख। अभी के यहाँ टाइम 6:45 लूसर्न जाएंगे डायरेक्टली। फिलहाल तो हम ये गारबेज डिस्पोज करने जा रहे हैं जो कि हमारे एयरबीएनबी से 800 मीटर दूर है। इनका ये चीज़ अच्छा है कि जो भी रिसाइकल गारबेज है उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन में डंप करना होता है, नहीं तो यू विल बी फाइंड। तो इसके लिए हम जा रहे हैं। थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो रहा है, कितनी शांत है भाई यहाँ पे। क्योंकि दिस इज़ ड्रिंकेबल वाटर स्ट्रीट्स में, जो ये लोग गासे बोलते हैं स्ट्रीट्स को, पी सकते हो उसको, अपना बॉटल्स भर सकते हो। हमने अब तक ट्राई नहीं किया ये पानी, लेट्स सी अगर जाते वक्त मौका मिले ट्राई करने के लिए। पे जा रहे हैं गाड़ी। ओके, थैंक यू, मर्सी मर्सी। 7:18 की बस पकड़नी होगी, 6:45 सात, हाँ 15 मिनट है। और वैसे इंटरलाकन है जगह बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जाने को तो मन नहीं कर रहा, हम चारों में से किसी को जाने का मन नहीं कर रहा। यहाँ के फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, ट्रेन्स हो गया हो या बसेस हो गए या फेरीज, दे गो ऑन टाइम। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का के बारे में जानना हो टाइम, तो यहाँ का एक लोकल ऐप है SBB मोबाइल ऐप, उसमें आपको आपके अपना रजिस्ट्रेशन करिए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, इंक्लूडिंग ट्रेन्स बसेस सब कुछ। तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे हम ट्रेन स्टेशन पहुंच चुके हैं विल्डर्सविल, देखिए जैसे कहा था यहाँ भी टैप वाटर, ये जा रही है इंटरलाकेन ओस्ट जा रही है, पहुँचने वाले हैं। मिक्रोस है, मिल गया। वो है क्या? नहीं, वो जनरेटर लग रहा है, तो होना चाहिए कहीं पे। बस अब हमें ढूंढना है किधर है। मिक्रोस पहुंच गए, दिस इज मिक्रोस। उस लिए वहाँ एक लेडी खड़ी थी, वो बोली कि मिक्रोस बिल्डिंग के बिहाइंड। दिख गया, और इनमें से कौन सा है? विल्डर्सविल ये लग रहा है। ये रहा, जगह नहीं है, क्या करे। ओ ये लॉक्ड है, ओ माय गॉड, दिस इज लॉक। हमें लगता है वहीं पे डालना था। नहीं, दिस इज लॉक्ड, नहीं होगा। ये रख दूँ, वैसे लोगों ने रखा हुआ है ना। Let's see what's there in Luzon, what's waiting for us in Luzon. अभी फिलहाल और 1 hour 45 minutes लगेगा यहाँ से Luzon पहुँचने में। हमने ट्रेन ली थी इंटरलाकेन ओस्ट, वहाँ से 1 hour 50 minutes का दिखा रहा था। और यही लेक था जहाँ से हमने फेरी राइड भी की थी, और फेरी राइड करके हम आइसल वॉल्ट गए थे। हम पहुंच चुके हैं लूसर्न, और यहाँ अनाउंसमेंट हो चुकी है, लास्ट स्टेशन है जिसका हमें रिपोर्ट करना होगा। अनाउंसमेंट में और एक चीज़ बताया गया है कि बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, हमें थोड़ा सावधानी बरतना होगा। वैसे एक नोटिसेबल चीज़ है कि जहाँ रुके थे इंटरलाकेन, वहाँ पे सारे वुडन हाउसेस थे, यहाँ तो वुडन हाउसेज दिख नहीं रहे, सारे कॉन्क्रीट थे। दिस आर होटल, आइविस स्टाइल होटल। सो हम यहीं पे रुके हैं, दैट्स द बस स्टेशन। तो यहीं से आके फिलहाल के लिए हमें चेक इन मिला नहीं, हम लोगों का चेक इन 2 बजे है, 2 PM। सो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारा लगेज को अपने स्टोर रूम में रख दे फॉर द टाइमिंग, सो दे हैव एक्सेप्टेड।
तो हम अपना लगेज को यहाँ रख के वी आर प्लानिंग टू हेड टूवर्ड्स ज्यूरिक अगेन। पर एक बस ए नाइस ट्रांजेक्शन इंटरलाकिन इज ए विलेज, तो यहाँ आके इट्स अ सिटी लाइफ, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। देखते हैं हाउ व्हाट्स वेटिंग फॉर अस हियर। दिस इज द एंट्रेंस। रुके हुए हम अपने लिए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे खाने के लिए कुछ। खरीदारी हो रही है खाने की। हम वापस लूसर्न के मेन रेलवे स्टेशन पे आ गए। अब हम यहाँ से जाना है ज्यूरिक एचबी। हाथ कुछ खाने के लिए उठा लिया हाथ में। वाईफाई पहली वाईफाई मिल गया। ओटीपी प्लीज। सब खाने में मस्त। मैं ट्रेन में खाऊंगा। ये रहा आज का हमारा ब्रेकफास्ट। पंकज ने लिया है चिकन सैंडविच, मैंने समथिंग वेज का कुछ तो है, आई डोंट नो द नेम, बट वही है क्योंकि मुझे पता नहीं मीट में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था तो मैंने अपने लिए वेज उठा लिया। और ये हमने लिया है यहाँ के बहुत बहुत फेमस बेकरी से जिसका नाम है मच्छी। अभी हम लोग हैं ज्यूरिक एचबी रेलवे स्टेशन में। एक्सप्लोर करना है कि कहाँ जाना है। अभी कुछ पेट पूजा चल रहा है तो अभी हम जाना है ओल्ड ज्यूरिक में, उसके लिए हमें स्टेशन ढूंढना है। ओल्ड टाउन ज्यूरिक आ चुके हैं, अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं ज्यूरिक बेलेव्यू। देखते हैं। ओ हो कूप हर जगह। हाँ, और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, अगर आप आ रहे हो तो बेटर है कि कूप से खाओ, अफोर्डेबल प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में मिलता है खाना, सब कुछ, सब कुछ मिलता है कूफ में, इट्स अ सुपर मार्केट। चलो क्रॉस करते हैं। ये रहा ट्रम्प जैसे कि किसी को नहीं पता। फाइनली हम ज्यूरिक में है, ज्यूरिक सेंट्रल में है। इतनी सुंदर सिटी है, जितना आप सुंदर इमेजिन कर सकते हो कर लीजिए, उससे ज्यादा शायद है। अभी तक मैंने ब्लॉग्स में ही देखे थे ज्यूरिक कैसा है क्या है। आज खुद मैं इधर हूँ, आई कांट बिलीव इट, मतलब इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand from him sin. बहुत थक चुके, अब हम जा रहे हैं फिर से होटल, हमें चेक इन करना है। फाइनली रूम मिल गया हमें। दिस इज आवर रूम। ओ टेस्ला, खोल दे टेस्ला गाड़ी। ज्यूरिक का टूर करके हमने होटल चेक इन कर लिया है। होटल बिल्कुल सिटी सेंटर में ही है, बहुत अच्छा लोकेशन है। हम अपनी एंट्री चालू हो गई है अपनी गाड़ी में। चलो तुम आगे चलो, हम लोग पहले। हाँ किधर चले, ऊपर। हाँ बहुत सही जगह मिल रहा है, इस तरह बैठ सकते हैं ना। यहाँ से हम आगे आ चुके ऊपर। क्या करोगे? Standing on the edge of a cliff, realize there must be more to life than this. Reaching for the stars. Catamaran cruise ride चालू हो गई है।
1 hour की है. अब हम ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द राइड में है. बहुत अच्छा नज़ारा है. हमारी क्रूज राइड यहाँ ही ख़त्म हो रही है. अभी हम जाएंगे थोड़ा सिटी टूर करेंगे. अभी हम पहुँच गए हैं लूजन के फेमस चैपल ब्रिज में, जो एग्जैक्टली मेरे पीछे है. अभी हम जाएंगे उसके अंदर, देखते हैं क्या खासियत है. Okay, so we are done visiting this bridge. हम लोग यहाँ से जा रहे हैं. काफ़ी अच्छा है ब्रिज. वन टाइम हाँ कुछ नहीं, बस शाम को आने का या टहलने का. आस पास रेस्टोरेंट्स है बहुत सारे, तो जस्ट रिलैक्स करने के लिए सब. Yes, I'm absolutely.